हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को पता चल गया होगा कि जो TGT की रिमार्क लिस्ट है वो आ चुकी है, जिसके जो 12 और 13 तारीख को जिसका DV हुआ था उनकी रिमार्क लिस्ट आ गई हो। सभी सब्जेक्ट वाइज रिमार्क लिस्ट आई है, तो जो भी रिमार्क लिस्ट आई है सब्जेक्ट वाइज वो सभी आप लोग देख लीजिएगा, और उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। एक मैंने देखा जो कि म्यूजिक वालों का था, उसमें वो जो रिमार्क्स था वो कंप्लीट नहीं लिखा हुआ था, जिससे वो थोड़ा सा डाउटफुल है। उसको मैंने कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने मैसेज भी किया, टेक्स्ट भी किया उसके लिए, उसको लेके, तो मैंने उनको ऑलरेडी बता दिया कि आप कुछ स्टूडेंट थे जो डिपार्टमेंट के आसपास उनका घर था, वो वहां से जाके वो क्लियर कर देंगे आपका, जो म्यूजिक वाले हैं। आई थिंक इलेक्टिव सब्जेक्ट को लेके है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके है, तो वो थोड़ा सा डाउटफुल है, वो क्लियर हो जाएगा। बाकी किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, मेडिकल नॉन मेडिकल हो, DPE हो, किसी भी सब्जेक्ट का, उसका कोई भी आपका रिमार्क्स हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, जो भी डाउटफुल हो उसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले आप सब देख सकते हैं कि रिटन टेस्ट जो हुआ था वो TGT वालों का सभी सब्जेक्ट वाइज 22/6/2024 को, इसका क्या हुआ था, 22/6/2024 को इसका रिटन टेस्ट मतलब एग्जाम हुआ था, 22/6/2024 से लेके 28, मतलब करीबन 6-7 दिन इसका एग्जाम चला था, 22/6/2024 से 28/6/2024 तक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद DV के लिए बुलाई जाती है 3 गुना, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा था कि हम DV के लिए 3 गुना लोगों को बुलाएंगे, और इन्होंने 3 गुना लोगों को बुलाया भी DV के लिए। तो DV की डेट थी जो कि 12/9/2024 और 13/9/2024, 2 दिन इनका DV होता है, कब कब, 12 और 13 तारीख को इनका DV होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर से चीजों को चेक करता है डिपार्टमेंट, और उसके बाद रिमार्क लिस्ट जारी करता है, जैसा कि जो कि आज की डेट में आया, आज 19 है तो आज ही की डेट में आया है जो नोटिफिकेशन, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करें कि उस जो नोटिफिकेशन आया हो उसमें यह भी लिखा है कि जो मेंशन डेट है और सब्जेक्ट वाइज मेंशन डेट है उसको मैं आपके सामने बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सब्जेक्ट देख सुन लीजिएगा और कौन से टाइम पे जाना है, किस डेट को जाना है, बाकी आप कमेटी अपना देख लीजिएगा, बस अपने टाइम से पहुंच जाइएगा। और DV की जो डेट मिली है आपको, 2 दिन मिली है, 30 और 24 तारीख 2 डेट मिली है आपको। और एक चीज और बता दूं, इंपॉर्टेंट ये है कि 12 और 13 तारीख को जो भी स्टूडेंट नहीं पहुंच पाए थे DV में वो भी जा सकते हैं, जो भी एब्सेंट स्टूडेंट्स थे उनको फिर से DV के लिए बुलाया गया है, तो जो भी स्टूडेंट्स किसी रीजन की वजह से वहां पर नहीं पहुंच पाए थे वो भी जा सकते हैं DV में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट, पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो 23/9/2024 को इनका DV है 9 बजे से, ठीक है, तो 15 मिनट पहले आप अपने DV से पहुंच जाइएगा, जैसे 9 बजे टाइम है तो 15-20 मिनट पहले आप पहुंच जाइएगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और वहीं बात करें हिंदी वालों का, 23 तारीख को हिंदी वालों का भी है लेकिन 11 बजे से है। वहीं बात करें जो पंजाबी जिनका सब्जेक्ट है इनका 24 तारीख को है 9 बजे से है। वहीं बात करें संस्कृत वालों का, 24 तारीख को ही DV है और 11 बजे से है। वहीं बात करें साइंस नॉन मेडिकल वाले जो स्टूडेंट है उनकी DV कब है, उनकी DV है 23 तारीख को और 9 बजे से है। वहीं बात करें फाइन आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हैं इनकी DV जो है वो 24 तारीख को है 11 बजे है। वहीं बात करें SST वालों की जो DV है वो है 23 तारीख को 9 बजे से है। DPE वालों का जो है वो 23 तारीख को है 11 बजे से है। मैथ वालों का भी सुन लीजिए आप, 23 तारीख को 11 बजे से है मैथ वालों का। वहीं बचता है कुछ सब्जेक्ट वो भी मैं आपको बता देता हूँ, होम साइंस वालों का 24 तारीख को है 9 बजे से है। वहीं बात आए म्यूजिक की तो 24 तारीख को और 11 बजे से आपके DV होनी है। और साइंस जो मेडिकल फील्ड वाले हैं उनका 24 तारीख को है 9 बजे से। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, जिस तारीख को आपका डेट है मतलब जिस डेट को आपको जाना है उस डेट को आपको 15 मिनट पहले जाना है टाइमिंग से अपने, जैसे 9 बजे अगर पहले शिफ्ट में है तो 9 बजे से होगा, दूसरे शिफ्ट में है तो 11 बजे से होगा। तो आप सब्जेक्ट वाइज अपना टाइम देख लीजिएगा, अपना जो भी शेड्यूल है किस कमेटी में है, बाकी एड्रेस वही CGMMS करके है एक एड्रेस, वो सेक्टर 18 चंडीगढ़ UT, वहीं पे सबको जाना है DV के लिए, बाकी वो सारी चीजें आपको पता है। अब मेन बता दूं आपको, जो मेन रीजन आता है कि आप लोग पूछ रहे थे रिमार्क लिस्ट को लेके, जो भी रिमार्क लिस्ट अगर आई है आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा, जिसको भी डाउटफुल होगा, जैसे मैंने म्यूजिक का देखा, म्यूजिक का मेरे पास आया था तो मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूं, क्योंकि उसमें सच में कंप्लीट चीजें नहीं लिखी हुई है,
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लिखी गई हैं। तो एक स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से, तो मैंने उनको बताया। और जिनको भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, संस्कृत हो, साइंस नॉन मेडिकल हो, फाइन आर्ट्स हो, SST हो, DPE हो, मैथ हो, होम साइंस हो, और म्यूजिक हो, या साइंस मेडिकल का सब्जेक्ट हो, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा चीजें। तो ये दूसरा मौका मिला आपको। और एक चीज और है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं जाते हैं तो आपको इन एलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ है। तो अब मुश्किल है थोड़ा सा एक और चांस आपको मिलना, तो बस यही कहूंगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, कि आप लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच जाइएगा, डीवी कराइएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, रिमार्क लिस्ट में जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको सॉल्व करने के लिए आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, प्रूफ है, उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो जाके अपने दिए हुए शेड्यूल पे। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगले वीडियो में। और कमेंट में आप जरूर डाउट लिखिएगा अपने, उसको देख के मैं आपके लिए एक सोल्यूशन वीडियो जरूर बना दूंगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।